खरीदारी की सलाह संदीप जैन दे रहे हैं आपको। आइए अब दर्शकों से सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ मुंबई से अशोक लालवानी जी हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास सेल है, मैंने 1000 शेयर खरीद किए थे 147 पे 2021 मई में। तो मेरा इसके ऊपर मेरा जस्ट आपसे रिकमेंड चाह रहा हूँ कि इसका फर्दर अभी क्या हो सकता है, कितने टाइम तक होल्ड करने में होल्ड कर सकता हूँ? ओके, 147 की खरीद है सेल पर, नुकसान काफी है और काफी ऊपर लेवल्स की इनकी खरीद भी है सेल पर। अब क्या राय रखें संदीप जी? नहीं देखिए, मुझे लग रहा है स्टॉक तो कोई डिफरेंट है। अशोक जी, आप कोई कंफ्यूजन है हमें? 147 का तो सेल मतलब काफी ऊपर की बात कर रहे हैं आप, और 52 एक हाई लो भी देखे तो काफी नीचे का है। और हालांकि कब का लिया हुआ है ये आइडिया ठीक है, अभी रिसेंटली लिए होंगे 150 लास्ट राउंड ऑफ जो तेजी है आई थी उसमें लिए है। हाँ, 2021 की खरीद है, 2021 राइट राइट वही लगा मुझे। बट एनीवेज देखिए, स्टील सेक्टर अभी वापस से पिछले 2-3 दिनों से हुआ है एंड पहले एक तेजी के बाद करेक्ट हुआ और डाउनसाइड बॉटम आउट भी हुआ है, और अब एक बार जो चाइनीज स्टिमुलस पैकेज की वजह से मेटल्स में तेजी आई, कल दोपहर के शो में भी मैंने ये डिस्कस किया था, सारे मेटल स्टॉक्स और माइनिंग स्टॉक्स बढ़िया कर रहे थे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद मुझे उस लेवल तक पहुंचने का इमीडिएटली नहीं लगता सेल का। और ये इंडस्ट्री देखिए बड़ी सिक्लिकल होती है, 2021-22 बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा मेटल इंडस्ट्री के लिए पोस्ट कोरोना, और जनरली 7-8 साल के साइकिल्स होते हैं इनमें मेटल्स में, तो पता नहीं अब कब आएगा क्या आएगा। बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, बट एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि आगे से थोड़ा ध्यान रखिए, इन टाइप के स्टॉक्स को आप हायर लेवल्स पे नहीं ले सकते हैं, डाउनसाइड ऑफ द साइकिल में लेना पड़ता है और अपसाइड ऑफ द साइकिल में निकलना पड़ता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ट्रेडर मेंटेलिटी वाला होना पड़ता है और थोड़ा सा रिसर्च और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और शायद यही एक रीजन है कि मैं जनरली मेटल स्टॉक्स को ज्यादा रेकमेंड नहीं करता। मैं रेकमेंड करता हूँ तो माइनिंग स्टॉक्स को करता हूँ, वहां पे फिर भी स्कोप रहता है। सो आई फील इनको उछाल आए तो 115-120 रुपए के लेवल्स आए तो वहां पे एक बार निकलने की कोशिश की जा सकती है। मेरे हिसाब से एग्जिट ऑन बाउंस की रणनीति अपनाए और जो लॉस है वो ठीक है, कोई दूसरे स्टॉक के इन्वेस्टमेंट में से निकालने की कोशिश। तो 115-120 ये लेवल पर आप देखिए, आप इस पर एग्जिट कर सकते हैं। आपके लिए सेल पर स्ट्रेटजी दे रहे हैं संदीप जी। यूपी